कैसे देखते हैं पिछले 5 साल की सरकार को? दो कौड़ी की ये सरकार तो पूरी तरीके से फेल है। युवाओं को ले लीजिए, रोजगार को, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कोई भी एग्जाम करा रही सरकार, पेपर लीक हो जा रहे हैं। इनके पास कोई विजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ धर्म को लेकर के ये आड़ बना करके पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम करें। अगर आप रोजगार की बात करें तो मैं रोजगार के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखिए तो मैं बसपा सरकार की सरकार बनवाना चाहूँगा। ये सरकार दो कौड़ी सरकार रही है, इसमें ना किसी काम चला ना किसी का धाम चला, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। नमस्कार, द मूक नायक देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अरुण कुमार। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ में जब हम यहां से निकल रहे थे तो यहां पर कुछ लोगों से हमारी भेंट होती है और जब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वे देखते हैं कि मेरी टी शर्ट पर जो है आप देख पा रहे हो शायद साइकिल छपा हुआ है, तो उनको लगता है कि वो मुझसे पूछते हैं कि आप सपा का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, आप सपा के पत्रकार तो नहीं हैं। और इस दिलचस्प वाक्य के साथ जो यहाँ यूपी की राजनीतिक नब्ज है उसे इन लोगों के दिल से टटोलने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या राजनीतिक रुझान है। तो ये जो लोग हैं अलाव ताप रहे हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार राजनीति में वो क्या कुछ देख रहे हैं और क्या माहौल इस बार यूपी का है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल प्रताप राव है। क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको यूपी में? यहाँ पे माहौल बहुत ही अच्छा है और इस बार पूरी तरीके से भाजपा के विरोध में यहाँ वोट पड़ेगी। क्यों, क्या क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि 5 साल यहाँ पे पब्लिक एकदम परेशान हो गई पूरी तरीके से, ना कोई रिक्शा चलाने वाला सुखी से रह रहा है, रोटी खा रहा है, ना कोई गाड़ी चलाने वाला रोटी खा पा रहा है सही से, या कोई दुकान चला रहा है वो आराम से रहा, सब लोग परेशान है पूरी तरीके से। इसीलिए पूरी तरीके से भाजपा के विरोध में यहाँ वोट पड़ेगी। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में नंबर वन सरकार हमारी रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली उनकी हवा हवाई बातें हैं, वो कहते रहेंगे, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से भाजपा के विरोध में वोट पड़ेगा और यहाँ बसपा पूरी तरीके से पूरी मजबूती से बसपा यहाँ आने जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा इस समय सरकार बनाने जा रही है और बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बहन कुमारी मायावती जी की जो सरकार होती है उसमें लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर को प्राथमिकता दी जाती है, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, हर आदमी एकदम सुरक्षित होता है, अपना रोजगार करता है और उनका काम होता है। ये सारी चीज़ें पे इस बार जनता वोट देगी। ये 5 साल, इससे पहले 5 साल जनता एकदम पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। महिला सुरक्षा को देख लीजिए आप, कितने कांड हुए उत्तर प्रदेश में, हाँ, और देख लीजिए और कितने कांड होते जा रहे हैं एक पे एक। तो ये सरकार तो पूरी तरीके से फेल है। युवाओं को ले लीजिए, रोजगार को, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम करा रही सरकार, पेपर लीक हो जा रहे हैं। इनके पास कोई विजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ धर्म को लेकर के ये आड़ बना करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम करें। इसीलिए पूरी तरीके से जनता इस बार उनको उखाड़ करके फेंकेगी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस बार चुनाव में दिख रहे हैं? सबसे मेन रोज़गार, सबसे मेन रोज़गार। जब आदमी के पास आय का स्रोत ही नहीं रहेगा तो वो सामाजिक या शारीरिक या किसी भी आप स्तर पे उसकी तुलना अगर आप करना चाहें तो नहीं हो सकती। और इस बीजेपी सरकार में जैसे हम जैसे नौजवान हैं, मैंने खुद डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट किया हुआ है, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कर रखी है, पर 2010 से कहा जाए कोई भी सरकारी नौकरी हमारे विभाग ने निकाली हो तो ऐसा नहीं है। बहुत प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी से मिले, सचिव स्तर पे बात हुई, पर कोई भी संतोषजनक अभी तक कार्य बीजेपी सरकार द्वारा मुझे किया हुआ दिखा नहीं। और अगर आप रोजगार की बात करें तो मैं रोजगार के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखिए तो मैं बसपा सरकार की सरकार बनवाना चाहूँगा। बाकी मैं अपनी सीट पर कांग्रेस को देखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बबलू सिंह, रुद्रदमन सिंह, उनको मैं जीतते हुए देखना चाहता हूँ। अच्छा, प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो आपने देखा? बिल्कुल देखा। क्या कहना है उसके बारे में? गलत हुआ, जो बहुत गलत हुआ। अगर आप उसमें आप मुझे अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो मैं आपको डिटेल में भी बता सकता हूँ, पर वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। बट इसमें सरकार की और जो RRB बोर्ड है उसकी बहुत बड़ी इसमें गलती थी कि उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप
जो चीज़ें हैं वो बच्चों को क्लियर कट आप समझा पाते हैं कि कैसे क्या हम करना चाह रहे हैं, तो शायद उसका सलूशन और अच्छा मिलता। पर यह सरकार एक हिटलरवादी सोच के साथ जो भर्तियां कराने की सोच रही है वो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। और जो बिहार में हुआ या जो प्रयागराज में हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही निंदनीय है वो चीज़। कैसे देखते हैं पिछले 5 साल की सरकार को? दो कौड़ी की, कोई बिजनेस नहीं, कोई कहीं नहीं। हमारे पास टैक्सी गाड़ी है, कोई टैक्सी समय पे MI नहीं तक जमा हो पा रही। जब पैसेंजरे नहीं निकल रहा या कहीं से आ नहीं रहा, कहीं जा नहीं रहा, तो हम लोग का बिजनेस दो कौड़ी का है भैया। क्यों हुआ ऐसा सर? ऐसा हुआ क्या, अब जब पैसेंजरे नहीं आएगा तो गाड़ी खींच खींच जा रहे हैं, बैंकों वाले खींच खींच ले जा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पे पड़ी है। MI नहीं दिए इसलिए? नहीं, MI जब कमा ही नहीं तो MI कहाँ दे देंगे। तो बैंक वाले प्राइवेट वाले तो अपने अपनी गाड़ी भैया खींच के ले जा रहे हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं जो परेशान नहीं है, जो सच्चाई है। और जब से नोटबंदी ने की है तब से देश हमारा बहुत पीछे जा चुका है, 10वें साल पीछे चला गया। नोटबंदी से पब्लिक तरह तरह है, बिल्कुल कोई आदमी सही अपना घर का भोजन नहीं चला पा रहा कि घर का भोजन चला ले। मार्केट में कहीं कोई काम नहीं है, गरीब जनता कहाँ जाएगी? गरीब जनता बिल्कुल तो इतना परेशान है कि अब वो रो नहीं पा रहा, बाकी सब उसके दिल से निकल पा रहे हैं। ये है समस्या। पिछले 5 साल में महिला सुरक्षा जो देखिए, महिला सुरक्षा तो आप लोगों के सब सामने है, हम लोग को क्या बताने की ज़रूरत है। बहुत कांड इतने हुए हैं कि अब तुम आपसे क्या बता दें उसके विषय में, बहुत कांड हुए। एक नारा रहा बेटी पढ़ाओ बेटी वो करो, तो हम तो कह रहे हैं बेटी का आदमी घर से बाहर ही ना निकाले, इससे बढ़िया। क्या कहना है सर इस बार किसकी सरकार आएगी? भैया सरकार तो जिसकी आ रही है वो तो सब जानते हैं, और हमको बताने से अब क्या फ़ायदा मिलेगा? BJP सरकार आएगी, सीधी सी बात है। क्यों लगता है आपको कि BJP सरकार आ रही है? क्या काम ऐसे हैं जिन पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम परचम ला रहा है, इससे अच्छा क्या चाहिए? 370 बंद किया, युवाओं के लिए दुनिया भर के योजनाएं निकाली। कौन कौन सी योजनाएं? बहुत सी योजनाएं, हमको लिखना पड़ेगा तब तो बता पाएंगे आपको। एक दो का तो नाम बताइए। सिलेंडर बांटा, बिजली दिया, घर घर जो है राशन फ्री में दे रहे हैं युवाओं के लिए, आप बता रहे हैं युवाओं के लिए? भैया आप युवाओं को तो देखिए, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, युवाओं को अपना खुद का बनाना पड़ेगा। नौकरी चिंता छोड़ दें। अच्छा। मैं हमारे घर में बच्चे उनको भी कहता हूँ भैया, नौकरी नहीं करना, नौकरी देना है, बस हमारा ये उद्देश्य है। तो सब नौकरी देने वाले बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, जब नौकरी देने वाले बनेंगे गरीबी हट जाएगी, सीधी सी बात है। तो फिर सरकारी दफ्तरों में कौन काम करेगा? सरकारी दफ्तरों में काम करेगा, अरे वही काम करेंगे जो काम देगा, वही करेंगे। आजकल देखे ना एक काम को, ये लोग हजारों आदमी काम एक मशीन कर दे जा रही है, वही करेंगे लोग। अच्छा। वो कर रहे हैं लोग, सीधी सी बात है। अच्छा, सारे सरकारी दफ्तरों में अब ये काम करेंगे? और सरकार में BJP समर्थक हूँ, सीधी सी बात है, किसी बुरा लगे किसी भला लगे। नहीं नहीं, वो तो आपकी इच्छा है। एक नंबर की सरकार, आज तक कभी कोई सरकार ऐसी आई नहीं आएगी, सीधी सी बात है, और आने वाले समय में कईयों दशक तक रहेगी। हम लिख के दे रहा हूँ, हम रहे न रहे क्या और कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से आप BJP को सपोर्ट करते हैं? हमारे पास कोई मुद्दा नहीं, हम ठीक है, हम अपने हाथ पैर पे मजबूती पे भरोसा करते हैं, अपने हाथ पैर पे विश्वास करते हैं, नौकरी को विश्वास नहीं करते। एक चाचा है जिन्होंने मुझे देखने के बाद ये कहा था कि आप सपा से तो नहीं है कहीं, तो उनसे भी आपको मिलवा देते हैं कि वो जिस तरीके से कह रहे थे मेरी टी शर्ट पे, क्योंकि साइकिल छपा हुआ है, उनको लगा कि शायद ये सपा के पत्रकार हैं। सर जो वाकया हुआ था उसके बारे में बताएं। नहीं भाई, हमें ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि आप सपा के हैं या BSP से हैं या कांग्रेस से हैं। आप कह रहे थे कि साइकिल छपा हुआ है कहीं प्रचार कर रहे हो, वो तो मतलब ये नेताजी हमारे बता रहे थे बनियाइन छपी है, वो तो कौन बता रहा है, तो उसी में बनियाइन देख के बताया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को भी कोई पार्टी अगर दे जाए तो क्या पहनेंगे? नहीं पहन लेंगे। तो मुझे किसी पार्टी ने थोड़ी दिया आपको किसी पार्टी ने नहीं दिया। टैग तो आप SP वाला लगाए घूम रहे हैं। देख लो,
बीएसपी वाला बता रहे हैं। कलम वाला टैग किसी का हो सकता है सर? नहीं, कलर वाला, मैंने कलर की बात, कलर किसी का राइट थोड़ी है। अरे कलर बिल्कुल है, कलर कलर राइट नहीं है, पर एक वही तो निशान तो है, कोई भी यूज कर सकता है ना कलर तो। नहीं ऐसा यूज कोई भी कर सकता है, पर कलर का ही तो मेन बवाल है। कौन कौन सा कलर किसका है? भगवा हो गया, आप जान ही रहे, बाबा जी का, बाबा जी का चिलमची। अच्छा, भगवा हो गया चिलमची जी का। विवेकानंद जी भी भगवा पहनते थे, वो तो बीजेपी में नहीं थे। बिल्कुल पहनते थे, बीजेपी में नहीं थे, पर वो संत थे। तो कलर कैसे हुआ उनका भगवा? बीजेपी तो आई तो संतों की पार्टी ही कही जाती है, कही तो संत, संतों की पार्टी कही जाती है। सबका अलग अलग राइट हो गया। जो कलर है वो अब राजनीतिक चिन्ह का प्रतीक हो चुके हैं कि फला कलर हो गया फला पार्टी का, फला कलर हो गया फला पार्टी का। वो भले किसी पार्टी विशेष का ना हो, पर कलर जरूर अब पार्टी का विषय हो चुका है जी। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि वो इस बार कौन से मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं और क्या कुछ लगता है पिछले 5 साल की सरकार के बारे में। सर क्या कहना है? हमको ये कहना है, ये सरकार 2 करोड़ी सरकार रही, इसमें ना किसी काम चला ना किसी का धाम चला, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। ये पूरी जो है नीचे ले गया, ऊपर तक की सरकार बदलने वाली है। कौन से मुद्दे हैं जैसे आपको क्यों ऐसा लग रहा है? जो रोजी रोजगार है नहीं, लड़के परेशान घूम रहे हैं सब, नौकरी है नहीं, 5 सालों में उन्होंने क्या किया? इतनी भर्तियां निकालते नहीं हैं। रोजगार मेन समस्या है, मेन समस्या रोजगार की है, रोजगार ये दे नहीं रहे हैं। महिला सुरक्षा देख लो, हर जगह यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ जो है 5 साल की 10 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कोई वही नहीं है। अब ये हमेशा 3 मरतबा से इसे इलेक्शन जीत लिया है, हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू मुस्लिम करके, अब ये नहीं चल पाएगा। अब जो है सपा की सरकार बनेगी यहाँ पर, सपा की सरकार बनेगी, सपा का सब लोग सपोर्ट करेंगे। पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ आपको ऐसा लगा? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा सिर्फ हिंदू मुसलमान होता है बस। जहाँ 3 इलेक्शन हो चुके हैं, 14 हुआ उसमें हिंदू मुस्लिम, फिर उसके बाद 17 हुआ उसमें हिंदू मुस्लिम, 19 का हुआ फिर हिंदू मुस्लिम, फिर 22 का फिर वही हिंदू मुस्लिम। सरकार तो ये कहती है कि देखो हमने चाइना को और पाकिस्तान को बिल्कुल चुप बैठा दिया। कहाँ चुप बैठ गए हैं, अभी भी देख लो आतंकवादी चले आ रहे हैं पाकिस्तान से, चाइना से आयु का कहा खाते हो, कब्जा कर चल रहा, कहाँ पे गए हो? अरे कभी कौन सा वो कर दिया इन्होंने, दूसरी गवर्नमेंट में। अरे इन्होंने कहा था कि हम 1 साल ये काटेंगे, हम 10 काटेंगे, अब इन्होंने एक काटा किसी को सर आज तक की? सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, सर्जिकल टाइल कर दिया, कहाँ कर दिया है? बोल रहे पाकिस्तान में किया है, अब हमको मरे नहीं दिखाई दिए को। अरे कम से कम आधा पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए, पंजाबे वाला भी है, तब हम जाने के साले कहाँ हुए। कहते कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, भाई कांग्रेस ने क्या नहीं किया हमको ये बताइए। आज जितने उद्योगपति जितने लगा है सब कांग्रेस एक देन है, बीजेपी वालों का काम है केवल बेचना, नाम बदलना है, नाम बदलना बेचना केवल। एयरपोर्ट हमारा बेच दिया गया है, रेलवे बेच दिया गया, वन विभाग बेच दिया गया, जितनी हमारी स्कूटर इंडिया कंपनी थी, UPDPL थी, सब बेच दिया गया, सब बंद करा दिन। कांग्रेस गवर्नमेंट में चलती तो थी सब, कितने रोजगार आदमी इसके अंदर रहता था। अडानी अंबानी को बेच दिया, वही बता रहे हैं, सब उनके हाथ दे दिया, तो सबको तो बेच दिया है, बचा क्या है? कांग्रेस ने जितनी धरोहर अपनी बनाए रखी थी आज तक, उसने सब बर्बाद कर दिया देश को। हमारे हजारों आदमी, कईयों हजार आदमी यहाँ था नौकरी करता था, आज बेरोजगार घूम रहा है, सब बेच डाले। ये तो कहते हैं विश्वगुरु बना रहे हैं, विश्वगुरु अपने लिए बना रहे हैं ये कोई पब्लिक का कोई वो नहीं, वो तो बेच के जहाज कुछ बना ले भाई। अब वन विभाग है, वन विभागों बिकने जा रहा, बचेगा क्या हिंदुस्तान में? सब कुछ तो बेच ही डाल रहे हैं ये।
अच्छा आरक्षण का मैटर है, सब कुछ जब तुम बेच डालोगे, सब जब प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा तो आरक्षण बचेगा कहाँ? वो तो डेली बेसिस पे लगाएंगे, जब चाहेंगे लात मारेंगे, कहिए निकल लो, आरक्षण तो ख़त्म कर रहे इससे। जो सब बाबा साहब का सपना था, सब कुछ था, तो उसके लिए भी कुल मिला के ये सब मामला सब ख़त्म कर देंगे, आरक्षण जिसके उसमें था। भाई सब बेच के प्राइवेट सेक्टर के दे रहे हैं तो आरक्षण बचेगा कहाँ से?